Hey guys, welcome back to New Art Video. तो आज है ये माइक टायसन की सीरीज का लास्ट पार्ट। तो जिन लोगों ने एक भी पार्ट नहीं देखा तो वो स्टार्टिंग से देखो और ड्रॉ करना चालू करो, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा इस वीडियो से, तो आपकी काफी ड्रॉइंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने लिप्स तक ड्रॉइंग को कम्प्लीट कर लिया था, तो अब बस थोड़ा सा पोर्शन ही रह गया। ये पार्ट बहुत छोटा ही होगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं, पर अच्छे से समझाऊंगा इसलिए बड़ी भी हो सकती है वीडियो। तो शेडिंग के लिए मैं सबसे पहले HB पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। शेडिंग की टेक्निक्स वही सेम है, वही ऑर्डर में पेंसिल यूज करनी है जैसे मैं पहले पार्ट में यूज कर रहा था। अब मैं शेडिंग को ब्लेंड कर रहा हूँ सॉफ्ट ब्रश से। आपको ब्रश हमेशा क्लीन करके यूज करना, आप टिश्यू पेपर से भी क्लीन कर सकते हो उसको। अब मैं 2B लेड का यूज कर रहा हूँ, आप उसकी जगह पेंसिल को भी यूज कर सकते हो, बस वो शार्प होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं सर्कुलर स्ट्रोक लगा रहा हूँ। सर्कुलर स्ट्रोक से ये बेनिफिट होता है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर जगह को डार्क करना है तो आप उसको अच्छे से डार्क कर सकते हो, वो भी यूनिफॉर्म। ये भी नहीं कि आप कहीं पर ज्यादा डार्क हो गया कहीं पर लाइट, आपको बस प्रेशर बिल्कुल सेम रखना है और अच्छे से वहां पर डार्क कर सकते हैं। अब और डार्क करने के लिए मैं 4B लेड का यूज कर रहा हूँ, आप 4B पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, वो भी शार्प। और यहां पर भी मैं सर्कुलर स्ट्रोक का ही यूज कर रहा हूँ। अब जहां पर डार्क पोर्शन था वहां पर मैंने डार्क कर दिया है और बाकी सब इतना डार्क नहीं है, इसलिए अब मैं 2B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। अब जहां पर फेस में डार्क पोर्शन है वहां पर मैं डार्क करने के लिए पहले 2B पेंसिल का और बाद में 4B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। हाइलाइट्स आपको बहुत ध्यान से करने हैं, मैं नीडल इरेजर का यूज कर रहा हूँ क्योंकि वहां पर काफी स्मूथ हाइलाइट्स हैं, इसलिए मैं नीडल इरेजर यूज कर रहा हूँ। अब मैं फिर से 4B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ ताकि उसको और डार्क कर सकूं। अब मैं लाइट ग्रेड की पेंसिल से चिन एरिया पे शेडिंग कर रहा हूँ। अब मैं 2B पेंसिल से जहाँ पर डार्क पोर्शन है उनको मार्क कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कहाँ पर मुझे और डार्क करना है। अब मैं 2B लेड से और डार्क कर रहा हूँ उसको। अब आपने हाइलाइट्स बहुत ध्यान से लगाने हैं ताकि वो अच्छे से रियलिस्टिक लुक दे, तो मैं नीडल इरेजर से हाइलाइट्स लगा रहा हूँ। अब मैं लाइटर ग्रेड की पेंसिल से स्किन टेक्सचर मार्क कर रहा हूँ, आप HB या 2B पेंसिल यूज कर सकते हो। अब मैं चिन के और फेस के बाकी पोर्शन को ड्रॉ कर रहा हूँ कंप्लीट करने के लिए। प्रोसीजर सेम है, जैसे मैंने चिन के बाकी पोर्शन को ड्रॉ किया वैसे ड्रॉ करना है, बस आपको फोटोग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कहाँ पर हाइलाइट्स है और कहाँ पर डार्क पोर्शंस है, बाकी कुछ नहीं है इसमें।
अब मैं नेक पोर्शन को ड्रॉ करने वाला हूँ, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है शेडिंग का। सबसे पहले मैं HB पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। नेक को भी आपने टाइम लगा के ड्रॉ करना है, क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं वो पूरे फेस को तो अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं पर नेक पर हड़बड़ी कर देते हैं, काफ़ी जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपने उसको भी टाइम देकर बनाना है। तो देखो मैं HB पेंसिल से कितनी शेडिंग कर रहा हूँ। अब मैं 2B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। अब मैं 2B लेड से जहां पर डार्क पोर्शन है उसको और डार्क कर रहा हूँ। अब जो नेक पर वेन है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको आपको भी बहुत ध्यान से ड्रॉ करना है, वो रियलिस्टिक दिखनी चाहिए। अब मैं 4B लेड का यूज कर रहा हूँ। आप शार्प पेंसिल भी यूज कर सकते हैं, बस जहाँ पर डार्क पोर्शन है, जहाँ पर डेप्थ है वहां पर आपको बस डार्क करना है। अब मैं नीडल इरेज़र से हाइलाइट्स कर रहा हूँ, आपको भी केयरफुली हाइलाइट्स करने हैं। अब मैं 4B पेंसिल से जो नेक पर कोई स्किन टेक्सचर है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। अब 4B पेंसिल से स्किन टेक्सचर बनाने के बाद मैं 2B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर डार्क एरिया थे वहाँ पर डार्क ही स्किन टेक्सचर दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही, और जहाँ पर लाइट पोर्शन है वह हमें वहाँ पर लाइट ही स्किन टेक्सचर दिखेंगे। आई होप गाइज आपको ये आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, अपना थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज आती रहेंगी। अगर आपको कोई किसी ड्राइंग में प्रॉब्लम आ रही है, कोई पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करें, मैं उस पर जरूर ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।